ये देखिए दोस्तों, हम आम का मीठा अचार बनाने जा रहे हैं। तो इसको हमने 2 घंटे का दूध दिखाया है। देखिए ये साल भर चलने वाला अचार है, तो इसको आप कम से कम 2 घंटे धूप जरूर दिखाएं। तो देखिए अब इसको हम बनाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सरसों का तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना सा। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा, इतना देखिए, इतना सा पचफोरन डालेंगे। ये देखिए पचफोरन है, इसको इसमें हम डालेंगे। और ये जैसे ही तैयार होता है तब इसमें हम आम को डालेंगे। इसमें देखिए हम थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे, थोड़ी सी ही डालेंगे। और इसके बाद हम इस आम को डाल देंगे। ये हम खट्टा मीठा गुड़ का अचार बनाने जा रहे हैं। आप गुड़ का भी बना सकते हैं और चीनी का भी बना सकते हैं, और या तो फिर आप दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ भी डालिए, थोड़ा सा चीनी भी डालिए। तो ये देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे, वो अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये गुड़ को हमने करीब, ये 1 किलो से ज़्यादा ही गुड़ होगा, 1.5 किलो गुड़ है। तो इसको अब हम इसमें आम में डाल देंगे। कितना देखिए, थोड़ा सा इसको हमने ऐसे चला दिया था, अब इसको हम डाल देंगे इसमें। और इसके बाद ये देखिए 1 कप पानी डाल देंगे। गैस को एकदम धीरे कर देंगे। ये देखिए धीरे धीरे गुड़ इसमें पिघल जाएगा। और इसमें नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें हम इतना नमक, देखिए इतना ही नमक डालेंगे। ये देखिए इतना ही नमक डालेंगे। और उसके बाद फिर हम आप दिखाते हैं। ये देखिए हम मीठे अचार में डालने के लिए इतना सौंफ डाल रहे हैं, और इसी के साथ ये पचफोरन भी डालेंगे इसमें। ये ज़्यादा ही हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम बाकी अचार में इसको डाल देंगे। और ये देखिए जीरा इतना सा है, इसको हम तैयार कर रहे हैं, बाकी अचार में भी डाल देंगे। तो इसको हम भूनेंगे धीरे, गैस को एकदम स्लो करके तब भूनेंगे धीरे धीरे। और धनिया को हमने पहले से तैयार करके रखा है, इसलिए इसमें नहीं भून रही हूँ, उसको मैंने पीस के तैयार कर रखा है। ये देखिए आम मेरा इतना तैयार हुआ है। अभी देखिए इतना पानी, आम जो मैंने डाला था 1 कप, इतना गुड़ पानी छोड़ा है। और इसको ढकेंगे नहीं, नहीं तो बहुत ज़्यादा गल जाता है, क्योंकि अभी आम में बहुत ज़्यादा गुठली तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी गुठली हो गया है, अचार बनाने लायक हो गया है। तो देखिए अभी इतना तैयार हुआ है। ये देखिए इसमें लाल मिर्च थोड़ा सा 1 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं, आप जितना खाना पसंद करते हो, तीता और जैसा भी आपको जितना भी मीठा और नमक जैसा भी पसंद हो, और मसाला आप अपने अनुसार डालिएगा, मैंने तो इतना डाला है। तो देखिए अब अचार मेरा बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसको किसी शीशे के जार में भर के रख दीजिए, और ये साल भर तक आपका चलेगा, कभी नहीं ख़राब होगा। और आप ऐसे इसको आराम से खाइए, पूड़ी पराठे दाल भर के पूड़ी से बहुत टेस्टी लगता है, और किसी भी चीज़ से खाएंगे बहुत टेस्टी लगेगा। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो।